चलो देखो, स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया टॉपिक चलेगा रीजनिंग में। अब या के बाद लगातार तीन टॉपिक को एक क्रम है, सीक्वेंस। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस पढ़ेंगे। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूँ वो है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट मतलब कि क्रम परीक्षण। कौन सा टेस्ट है? मतलब कि क्रम परीक्षण। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे ये तीन टॉपिकों का एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना। एक रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा, रैंकिंग टेस्ट के जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट मतलब कि दिशा, और दिशा परीक्षण के बाद जस्ट अपन पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि बैठक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तो ये क्रम बाई क्रम अपन तीन टॉपिक पढ़ेंगे आगे के, क्रम परीक्षण, फिर दिशा परीक्षण, और फिर सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। आज स्टार्टिंग कर रहे हैं क्रम परीक्षण की, काहे की रैंकिंग टेस्ट। तो एक बार आप लोग सुन लो सभी, पहले तो रैंकिंग टेस्ट की यदि मैं बात करूं, मतलब कि क्रम परीक्षण की बात करूं, तो क्रम परीक्षण में जो प्रश्न आते हैं वो किसी कतार से संबंधित होते हैं या व्यक्तियों के किसी क्रम से संबंधित होते हैं। इसमें 5, 6 या एक्स वाई जेड कितनी भी संख्या हो सकती है व्यक्तियों की, उनको एक क्रम के हिसाब से बिठाया जाता है, फिर उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। व्यक्ति कोई भी एक कतार में या कोई एक पंक्ति में बैठे हुए होंगे या खड़े होंगे जैसे भी, और उनका जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो हमें बताना पड़ता है। हो सकता, देखो कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं वो और सुन लो। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो प्रकार एक जो आती है मुन्ना, टाइप वन, वो टाइप वन ये है कि किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना मतलब कि कुल व्यक्तियों की, कुल व्यक्तियों की क्या ज्ञात करना, संख्या। पहली टाइप में एक पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दाएं या बाएं से स्थान दिया जाएगा, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, या आगे पीछे से स्थान दिया जा सकता है। आपसे पूछेगा बताइए इस कतार में या इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। रीजनिंग का सबसे सरल टॉपिक है ये, इससे सरल टॉपिक कोई नहीं है रीजनिंग में, बड़ा आसान है ना। ऐसा ही आपकी एक टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें आया था एक क्वेश्चन आया था ना, तो वो जो है क्रम परीक्षण का क्वेश्चन है। अब इसमें पहली जो टाइप आएगी वो आएगी क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसके जस्ट बाद टाइप बनेगी दूसरी, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, जैसे राम किसी कतार में दाएं से 35वां है, श्याम उसी कतार में बाएं से 42वां है, बताइए दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। यदि कतार में कुल 150 व्यक्ति हों तो दोनों के बीच में क्या बताने, व्यक्तियों की संख्या। इसके बाद आती है टाइप थर्ड, प्रकार तीन, कुल व्यक्ति संख्या ज्ञात करना हो गया, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना हो गया, उसके बाद प्रकार तीन आएगी, दाएं या बाएं से, दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना, किसी पंक्ति में कुल 168 विद्यार्थी हैं, यदि राम दाएं से 9 के बाद 10वां है तो बताइए बाएं से उसका क्रमांक क्या होगा या स्थान कौन सा होगा, ऐसे सवाल। तो क्रम व्यवस्था में हम पढ़ेंगे तीन तो हैं ये मूल टाइप, इनको क्या बोलते हैं, मूल टाइप है ये, बेसिक बेसिक प्रकार के प्रश्न है तीन। इसके अलावा तीन बनेंगी इनसे ऊपर, उनमें एक कंडीशन अलग से लगेगी, क्या, स्थान परिवर्तन के बाद। कौन से परिवर्तन के बाद? स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। किसके बाद? स्थान परिवर्तन के बाद। तो यहां पर जो तीन बनेंगी वो बनेंगी स्थान परिवर्तन के बाद। प्रकार चार आएगी, क्या होगा, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, पहली भी यही थी, पहली टाइप भी कुल व्यक्तियों की संख्या है,
ये भी कुल व्यक्तियों की संख्या है, केवल थोड़ा सा अंतर आया क्या, स्थान परिवर्तन के बाद। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, राम की जगह श्याम चला जाता है और श्याम की जगह कौन आ जाता है, राम। उसके बाद पूछता है बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, क्लियर। इसके बाद फिर टाइप बनेगी प्रकार पांच, कौन सी टाइप, प्रकार पांच, वो भी यही है सेम टू सेम, स्थान परिवर्तन के बाद, के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, किसके बाद, स्थान परिवर्तन के बाद। यही तीन टाइप नॉर्मल है, यही तीन बनेंगी स्थान परिवर्तन के बाद। फिर बनेगी प्रकार छह, क्या, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद दाएं या बाएं से नया क्रमांक ज्ञात करना, नया क्रमांक ज्ञात करना। कितनी टाइप हो गई, ये छह तो हैं बेसिक क्रम व्यवस्था की, तीन तो हो गई कुल व्यक्तियों की संख्या, बीच में व्यक्तियों की संख्या, दाएं या बाएं से स्थान ज्ञात करना, तीन ये हो गई कि स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या, स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या और स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना। कितनी टाइप है टोटल, छह। इन छह के अलावा दो टाइप और बनेंगी सर, कितनी टाइप और बनेंगी, दो। एक टाइप बनती है सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न, प्रकार सात, कौन से क्रम, सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। सार्थक क्रम मतलब दे दिया आपको है ना, कागज काटना या फिर ऐसे दे दिया, चौक से निशान लगाना, काटना, सिलना, पहनना, ठीक है, इन सबका एक क्रम बताना है आपको, सीक्वेंस। तो वो वाले प्रश्न आएंगे किसमें, सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। कितनी टाइप है गई, अरे कितनी टाइप है गई, सात। या के अलावा यदि मैं और बात करूं क्रम व्यवस्था में, तो एक टाइप आएगी जिसका नाम है विविध, क्या नाम है, विविध। टोटल कितनी टाइप है गई, आठ। प्रकार पढ़ेंगे हम इसमें आठ, आठ प्रकार के प्रश्न है, कितने प्रकार के प्रश्न है, अरे कितने प्रकार के, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, दोबारा सुन लो, जो अपन एक क्रम से पढ़ रहे हैं हर चीज को, क्रम बाय क्रम चलेगी, ठीक है। यहां आपको याद रखना है कितनी प्रकार के प्रश्न बताए मैंने, आठ प्रकार के प्रश्न है, काय में, रैंकिंग टेस्ट में, क्रम परीक्षण जो टॉपिक है, तीन तो हैं बेसिक, तीन फिर इनकी सब बेसिक हैं, सब बेसिक टाइप, और दो ये अलग है, एक तो सार्थक क्रम वाली जिसको बोलते हैं शब्दकोश पर आधारित है ना, वो आएगी एक, तो वो तो आ जाएगी चल वर्णमाला में, लेकिन इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे शब्द और उनको उनके क्रम के आधार पर जमाना पड़ेगा। फिर यह अकेला आएगी आठवीं टाइप विविध, कुल मिला के कितनी टाइप है, आठ। करें स्टार्टिंग, बिल्कुल सरल है, इजी वे में, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दो क्वेश्चन आप करोगे, आगे चल देंगे, समझ में नहीं आएगा पांच छह क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। टॉपिक का नाम डालो फटाक से, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण लिखो। टॉपिक का नाम डाल दो रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। लिख दिया रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, लिखा देंगे कोई खास चीज है नहीं है ना, डायरेक्ट लिखो टाइप फर्स्ट, प्रकार एक, प्रकार एक लिखो, स्टार्टिंग करते हैं, कौन सी चलेगी, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा, दो आप करना एक मैं करूंगा, तीन हो जाएंगे बहुत है हर टाइप में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो कहेगा मान लो पहला प्रश्न जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, मान लो पहला प्रश्न आया कि किसी कतार में राम दाएं से पांचवां है, किसी कतार में राम दाएं से पांचवां है और राम का बाएं से स्थान आठवां है, पूछेगा बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। सर जी सुनिए ढंग से, बेसिक भी समझा रहा हूँ, ऐसे भी समझा रहा हूँ, जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें वो सब बताऊंगा,
इसी टाइप में कितने तरह के प्रश्न बनेंगे। तो देखो, राम का दाएं से स्थान कौन सा है? पांचवां। और राम का बाएं से स्थान? आठवां। मान लो मेरे पास है एक पंक्ति, ये रही, ये हो गया मेरा दायां इसका दायां, मेरा बायां इसका बायां। मान लो यहां कोई व्यक्ति बैठा है, नाम क्या है? अरे व्यक्ति का नाम राम। का दाएं से स्थान, दाएं से मतलब इधर से स्थान कौन सा? पांचवां। और राम का बाएं से स्थान कौन सा? आठवां। अब देखो, ये कोई पंक्ति है, कतार है, राम यहां बैठा है, दाएं से कौन से नंबर पर है? पांचवें पर। बाएं से पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति होंगे? देखो, राम तो यहां बैठा है, इधर से पांचवां है, जब राम पांचवें नंबर पे है तो राम के इधर कितने व्यक्ति होंगे? अरे बोलो। और इधर से राम आठवें नंबर पे है तो राम के इधर सात व्यक्ति ये और चार व्यक्ति ये, सात और चार, और एक राम भी तो है। अरे है या नहीं है? तो एक राम हो गया, टोटल व्यक्तियों की संख्या। ये तो है बेसिक, ये तो है बेसिक, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है कि राम का स्थान दाएं से पांचवां, श्याम का बाएं से आठवां, और जब भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना क्रमांकों का योग, क्रमांकों का योग करना है और घटा देना है क्या? एक आ जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। क्रमांक जोड़े, आठ पांच माइनस एक, यही उत्तर आया क्या? तो जब भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो क्या करना है? क्रमांकों का योग माइनस, अरे क्रमांकों का योग माइनस टोटल बराबर, क्या करना है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। तो ये काम करना है आपको जब भी व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दो बातें और याद रखना हमेशा आजीवन। किसी भी कतार में व्यक्तियों की संख्या निकालना तभी पॉसिबल है जब किसी एक व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से स्थान बताओ। यहां पर राम का दाएं से दे रखा है और बाएं से दे रखा है, किसका? राम। एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता था तो हमने निकाल दिया कुल व्यक्तियों की संख्या, क्रमांकों का योग माइनस एक। हो सकता है क्रमांक दाएं बाएं ना देखे, ऊपर से और नीचे से कोई क्रमांक दे दे, तो वही करना है क्रमांकों का योग माइनस एक, या आगे और पीछे से कोई क्रमांक दे दे, क्रमांकों का योग माइनस एक। लेकिन एक शर्त याद रखना, एक कंडीशन याद रखना, कई बार एग्जामिनर बेवकूफ बनाएगा आपको, वो ऐसा प्रश्न दे देगा जो प्रश्न ही गलत है, तो उसके लिए याद रखना उत्तर आता है ऐसे प्रश्नों में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या आंकड़े अपर्याप्त। क्या आता है? आंकड़े अपर्याप्त। मान लो अभी मैं इस सवाल में कह दूं आपसे, सवाल ये रहा, अभी सवाल आ गया, राम किसी कतार में दाएं से पंद्रहवां है और श्याम बाएं से उन्नीसवां है, बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो ऐसा मत करना, जल्दबाजी में कर दो, पंद्रह और उन्नीस कितने हो गए? चौंतीस माइनस एक बराबर, मत करना गलती, देखना क्या किसी एक व्यक्ति का स्थान पता है क्या आपको? नहीं पता। या तो राम का स्थान पता हो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, या फिर श्याम का स्थान पता हो दोनों तरफ से। जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, ध्यान रखना। ऐसा कोई प्रश्न आया तो मैं आंसर दूंगा क्या? पहला तो हो गया आंकड़े अपर्याप्त, नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन कर दूंगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं मिला तीसरा ऑप्शन कर दूंगा इनमें से कोई नहीं। कई प्रश्न आ जाते हैं इनमें लिखे आते हैं आंकड़े अपर्याप्त। अब ये सवाल है, इसमें आंकड़े अपर्याप्त है, राम दाएं से पंद्रहवां है, ठीक है होगा कहीं, मान लो कोई लाइन होगी, देखो ये भी समझ लो, चलो कैसे कह रहे हैं सर, कोई लाइन है, यहां हो गया दाया, यहां हो गया बाया, कोई राम नाम का व्यक्ति बैठा है यहां, इसका स्थान दाएं से है पंद्रहवां, हो गया। कोई श्याम बैठा, कहीं भी बैठ सकता है भाई, श्याम यहां हो सकता है, यहां कहीं भी बैठ सकता है। मान लो मैंने श्याम को यहां बैठा दिया और बता दिया इसका स्थान है इधर से उन्नीसवां, बोलो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कोई बता सकता है क्या? अरे बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। तो आपको देखो सुनो, बीमारी का इलाज आना चाहिए तो इलाज के साथ साथ उसकी कमियां भी पता होनी चाहिए। कोई भी अपन बीमारी का इलाज करते हैं तो डॉक्टर परहेज बताता है, वही कहानी है, हमें सवाल हल करना आना चाहिए लेकिन इसकी कमियां भी पता होनी चाहिए।
कमियां ये हैं कि जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात। क्लियर? अरे क्लियर है? कोई डाउट है? लिखो नोट डाल के पहली टाइप में, ये उतारना नहीं है, ये उतारना नहीं है, नोट डाल के लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं। किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर, किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर, किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर ही, किसी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर ही हम स्थान पता होने पर ही हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। स्थान पता होने पर ही हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। स्थान पता होने पर हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं? जब दोनों छोरों से क्या बताओ? स्थान। इसके अलावा ये बात उतार लेना, कौन सी? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्रमांकों का योग माइनस जो भी क्रमांक दाएं बाएं दे रखे हैं उनको जोड़ दो और क्या घटा देना? एक, आंसर आ जाएगा। ठीक है? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्रमांकों का योग माइनस एक, या टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है? करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया। किसमें करना है? इसमें राम का दाएं से पांचवां स्थान, राम का बाएं से आठवां स्थान, दोनों जोड़े, जोड़ दिए, बोलो उत्तर क्या आया? 8 5 13 - 1 = 12। बोलूं सवाल? लिखो अगला क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो लिखिए। किसी कतार में मुकेश आगे से 72वां है, किसी कतार में मुकेश आगे से 72वां है, और उसी पंक्ति में मुकेश का पीछे से स्थान, और उसी पंक्ति में मुकेश का पीछे से स्थान 59वां है, और उसी पंक्ति में मुकेश का पीछे से स्थान 59वां है, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी या सी? सी। क्लियर है? कोई डाउट? देखो एक बार। सर जी, मुकेश का आगे से और पीछे से दोनों तरफ से स्थान किसका दे रखा है? मुकेश का। जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। पता है तो क्या करना है? कुल व्यक्ति बराबर क्रमांकों का योग माइनस एक कर दो। क्रमांक जोड़ के कितना आया? 100 - 1 = 100। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अरे दोनों को जोड़ो, माइनस एक, बोलो उत्तर 100। कोई डाउट किसी को? अरे आया ना? अरे समझ में आ रही है बात? लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो, सेकंड। सैनिकों की एक पंक्ति में कपूर का स्थान दाएं से 19वां है। सैनिकों की एक पंक्ति में कपूर का स्थान दाएं से 19वां है, जबकि राजा बाएं से 72वें स्थान पर बैठा है, जबकि राजा बाएं से 72वें स्थान पर बैठा है, तो बताइए इस कतार में
बताइए इस कतार में कुल कितने सैनिक हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या आएगा उत्तर? नन ऑफ दीज नहीं होता तो आंकड़े आंकड़े पर्याप्त नहीं होता तो ज्ञात नहीं। क्लियर? कोई डाउट? क्यों नहीं कर सकते? सबको पता चला? अरे हाँ या ना? क्योंकि यहां कपूर का स्थान दाएं से और यहां किसका है? एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान है क्या? तो याद रखना, एक ही व्यक्ति का, किसका? एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से या दोनों छोरों से स्थान आवश्यक है, आवश्यक है। एक ही व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होना चाहिए, तभी निकलेगी कुल व्यक्तियों की संख्या, क्रमांकों का योग माइनस एक। बोलो उत्तर क्या आएगा? नन ऑफ। कोई डाउट यहां तक? कर लोगे? अरे सब कर लेंगे का? कोई समस्या? एक और करा दूं? लिखो। तीसरा प्रश्न, एक कतार में रमा दाएं से आठ के बाद नौवें क्रमांक पर है। एक कतार में रमा दाएं से आठ के बाद नौवें क्रमांक पर है। आठ के बाद कौन से क्रमांक पर है? नौवें क्रमांक पर। दोबारा सुन लो, आठ के बाद नौवें क्रमांक पर है। क्लियर? कोई डाउट? आगे सुनो। तथा बाएं से उसका स्थान पांच के बाद आठवां है। बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 29। चलो मैं बताता हूं, देखो समझना, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है क्यों 29 आ रहा है, जो नए हैं उनको नहीं पता, एक बार समझ लो, कोई बात नहीं। देखो ये तो है हमारा सवाल, ये तो सवाल है। अब सुनना, एक लड़की है जिसको देखा तो ऐसा लगा, कैसा? कि इसका स्थान है आठ के बाद नौवां। कौन सा स्थान है आठ के बाद? अब एक बात, आठ के बाद नौवें का मतलब क्या है? आठ के बाद नौवें का मतलब है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसके बाद नौवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां, यहां है। मतलब कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रहवां स्थान है। आठ के बाद नौवें का मतलब आठ और नौ। सर झूठ बोल रहे हो आप, आठ के बाद नौवें का मतलब है जस्ट अगला, आठ के बाद जस्ट अगला। ठीक है, फिर यहां क्यों लिख रहा है पांच के बाद आठवां है? फिर यहां होना चाहिए था पांच के बाद छठवां है। ठीक है, तो दिमाग से काम लिया करो, याद रखना। अब रमा की अगर मैं बात करूं तो रमा का दाएं से स्थान हो जाएगा आठ के बाद नौवां मतलब सत्रहवां, और बाएं से स्थान हो जाएगा पांच के बाद आठवां मतलब आठ पांच तेरहवां। मुझे बताना था कुल व्यक्ति, बोलो क्रमांकों का योग 30 माइनस एक बराबर क्या आया उत्तर? बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? करो तपस्या, चले आगे।
लिखो प्रकार दो। टाइप टू लिखो। ये समझ में आ गई ना, जब भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो क्रमांकों का योग माइनस। आगे लिखो प्रकार दो। टाइप टू, टाइप टू में लिखो पंक्ति में दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। पंक्ति में दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। पंक्ति में दाएं अवलिक बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। पंक्ति में दाएं अवलिक बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। लिख दिया, कॉपी रखो और सामने देखो। जैसे एक प्रश्न आया, मैं करके बता रहा हूं, किसी पंक्ति में कुल छात्र हैं 10। किसी पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? 10। मान लो कह दे कि राम का दाएं से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा, फोर्थ। अब पूछ ले, बताओ राम का बाएं से स्थान क्या होगा? एक पंक्ति में कुल छात्र कितने? 10। दाएं से राम का स्थान है चौथा, बताओ राम का स्थान बाएं से क्या होगा? करने का तरीका सुनो पहले तो। ये रही एक लाइन, क्या है? एक। और ये हो गया दाया, तो यहां आएगा। कोई बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम है, क्या नाम है? अब सुनो एक और बात, या राम है बैठावे थे, पहले वापस चलो ने एक। पहले देखो पंक्ति में कुल छात्र कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कुल छात्र कितने? अब राम दाएं से कौन से नंबर पर है? राम दाएं से, ये रहा दाया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यहां बैठा है राम। दाएं से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर, फोर्थ स्थान पर। राम दाएं से चौथे नंबर पर है। अब पूछा क्या है? बताओ राम का बाएं से क्रमांक क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये कौन से नंबर पे है राम? दूसरा तरीका सुनो, ये तो था तरीका नंबर एक। तरीका नंबर एक, अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका सुनो सर, कुल छात्र कितने? दाएं से स्थान कौन सा है? हमें कहां से बताना है? अगर मैं 10 में से 6 घटा दूं कितने बचे? 10 में से 4 घटा दूं कितने बचे? और जोड़ दो 1, कितना आ गया उत्तर? बोलो कौन सा स्थान था? अरे कौन सा स्थान है? अगर कुल में से क्रमांक घटा दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो उत्तर आ जाता है दाएं या बाएं से नया क्रमांक। ठीक है, अब या में फायदा, या में क्यों? क्योंकि यहां आपको मान लो दे देता अभी 1700 विद्यार्थी हैं, तो क्या 1700 बच्चे खींचते लाइन? तो डायग्राम से नहीं करेंगे, डायग्राम को डायग्राम में बिठाना है और फिर सवाल करना है। कैसे? कि कुल छात्र हैं 10, राम दाएं से चौथा, बाएं से स्थान, 10 में थे 4 गए तो कितने बचे? 1 जोड़ दो काएगो, एक लाइन एक कतार में व्यक्ति हैं 20। कितने व्यक्ति हैं? मैं दाएं से 13वें नंबर पर हूं, बताओ बाएं से क्रमांक कौन सा होगा? 8वां। कौन सा? एक कतार में व्यक्ति हैं 100, दाएं से राम बैठा है 38वें नंबर पे, दाएं से राम कौन से नंबर पे? बाएं से उसका क्रमांक 73वां। कौन सा? क्लियर? कोई डाउट? दोबारा सुन लो, जब भी दाएं या बाएं से नया क्रमांक ज्ञात करना हो, दाएं या बाएं से क्या निकालना हो? क्रमांक। तो ट्रिक होती है टोटल, टोटल माइनस कुल, और कुल माइनस करना है क्रमांक, कुल माइनस क्रमांक प्लस। कुल कितने? 10 में थे क्रमांक कितने? 10 में थे 4 गए, बचो कितनों? और 1 जोड़ दियो काएगो, बोलो आई बात समझ में? इसको नोट करो, इस वाले हिस्से को उतार लो केवल, बस इसको उतार लो केवल, और फिर सवाल करते हैं अपन। नोट कर लिया?
चलिए लिखिए प्रश्न। जब भी दाएं या बाएं से क्रमांक याद करना हो, कुल में से दिया गया क्रमांक घटाओ और एक जोड़ दो लास्ट में। लिखो पहला प्रश्न, किसी कतार में कुल छात्र 173 173 हैं। किसी कतार में कुल छात्र 173 हैं, 173 कितने हैं? 173। राम राम सर, राम राम भाई साहब, राम राम। चलिए कुल छात्र कितने? 173। बात करें राधा दाएं से 59वीं है। राधा दाएं से कौन सी है? 59वीं। बताओ राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा? राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा? किसका बताना है? राधा का। राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं सर। क्या दे रहा हूं? ऑप्शन। तो ऑप्शन लिख लो, राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा? ऑप्शन ए 113, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। क्या आएगा आंसर? 115। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए सर, कुल छात्र कितने? 173। और राधा का दाएं से स्थान 59वां, बाएं से स्थान पूछा है। क्या करना था? अभी बताया था, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट जो दिया गया है, और क्या करना है एंड में? एक जोड़ना है। तो कर दें, कुल 173 माइनस 59, कुल माइनस दिया गया क्रमांक। 173 में से 59 गए कितने बचे? 114। प्लस एक बराबर कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 115वां स्थान है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना। अगला प्रश्न लिखो, चले आगे। सेकंड क्वेश्चन, किसी कतार में कुल छात्र 269 है, 269। किसी कतार में कुल छात्र 269 हैं, कितने हैं? रमा का। किसका? रमा का दाएं से 23 के बाद 42वां स्थान है। रमा का दाएं से 23 के बाद 42वां स्थान है। रमा का दाएं से 23 के बाद 42वां स्थान है। तो बताओ रमा का बाएं से क्या क्रमांक होगा? रमा का बाएं से क्या क्रमांक होगा? रमा का बाएं से क्या क्रमांक होगा, ये बताना है। क्वेश्चन आपके आगे है। ऑप्शन ए 204, कितना चार? 204। बी 203, सी 205, डी 206। कौन सा आएगा बताओ? 205। चलिए देख लो एक बार, किसी कतार में कुल छात्र कितने हैं? 269। रमा दाएं से 23 के बाद 42वें स्थान पर है। रमा का दाएं से 23 के बाद कौन सा स्थान है? 42वां। बताओ रमा बाएं से कौन से स्थान पर है? तो देखो सर, रमा का पहले दाएं से निकालो, 23 के बाद 42वां, मतलब 23 और 42 65वां। अब पूछा है रमा का बाएं से क्रमांक होगा, कुल 269 माइनस 65 बराबर 200, प्लस 1 बराबर 200, कितना आएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 205 है ना।
ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम? लिखो प्रकार तीन। आगे की मुलाकात करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थी सुन लें, जो हमने टेस्ट पेपर लिया था बीएसटीसी का, उसका सॉल्यूशन कल यूट्यूब चैनल पे लाइव करवाया जाएगा 8 बजे से। सभी विद्यार्थी प्रातः 8 बजे यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़ जाएं। क्लियर? जी हाँ।